दर्शकों को नमस्कार, मैं निषाद लांजेवार, आप देख रहे हैं आकाश न्यूज। नई सोच नई खोज। गोंदिया का बापू युवा संगठन भी जुड़ा मदद कार्य में। कोरोना वायरस को लेकर हुए लॉकडाउन से अटके राहगीर और मुसाफिरों को भोजन पानी के साथ सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रशासन के साथ अब गोंदिया के अखिल भारतीय बापू युवा संगठन के पदाधिकारी भी मदद कार्य में जुट गए हैं। गोंदिया में मनोहर भाई कनिष्ठ महाविद्यालय में रखे लोगों को अखिल भारतीय बापू युवा संगठन के एडवोकेट एग्रेस अग्रवाल की ओर से शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। कार्यकर्ताओं द्वारा भोजन परोसने से लेकर सभी मदद कार्य करना शुरू है। अखिल भारतीय बापू युवा संगठन तथा महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव एडवोकेट योगेश अग्रवाल ने कहा कि जब तक लॉकडाउन है तब तक पीने के पानी की व्यवस्था करेंगे। देखिए आकाश न्यूज के लिए हमारे गोंदिया जिला प्रतिनिधि देवेंद्र दमाए की खबर। गोंदिया जिला प्रतिनिधि आकाश न्यूज नेटवर्क के साथ यहाँ पे हमारे योगेश जी अग्रवाल एडवोकेट, जिनके एक संगठन है अखिल युवा संगठन, उनसे हम पूछना चाहेंगे कि इन्होंने अपने मार्गदर्शन के नेतृत्व में पूछे लोगों के लिए क्या किया। गोंदिया में यहाँ पे जिस प्रकार की व्यवस्था की गई है उसमें हमारे अखिल भारतीय बापू युवा संगठन के माध्यम से यहाँ पे पीने की पानी की पूरी व्यवस्था हमारे माध्यम से की गई है। यहाँ जितने दिन में जितने भी शरणार्थी लोग या जो मजदूर वर्ग के लोग जो इस कोरोना महामारी के कारण अपने घर नहीं पहुंच पाए हैं, अपने गांव नहीं पहुंच पाए हैं, उनके लिए यहाँ पे जो व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है उस व्यवस्था में विभिन्न सामाजिक संगठनों का योगदान है। उस योगदान में हमारे भी सामाजिक संगठन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और यहाँ पे जितना भी पानी की व्यवस्था जो लग रही है वो हमारे संगठन के माध्यम से की जा रही है और यहाँ पे जितनी भी सेवाएँ हैं वो संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा भोजन वाटक की सेवाएँ चाहे किसी प्रकार का कोई वाटक हो उसकी सेवा संगठन के माध्यम से की जा रही है।